आकाश को देख के लगता है बंदर के पिछवाड़ा जैसे लाल होता है वही लाल हो गया। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप चैलेंज वीडियो शेयर करूंगी, वो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर मेकअप चैलेंज। यानी कि आप लोग जानते हैं मेकअप में बहुत सारे स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही मैं करूंगी, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप करूंगी आज। सो फुल फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सो आप लोग चाहे तो एक छोटा सा बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, बिकॉज इतनी मज़ेदार वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जाइए जल्दी से इन छोटा सा बेल आइकन को टिप कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, या फिर आप लोग चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर एनी डू करते हैं फुल फेस मेकअप। अल्फाबेटिकली करने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, क्या प्राइमर, बट मेरे को तो बहुत चबड़ था इसके लिए मैं अल्फाबेटिकली मेकअप चैलेंज लिया। सो मेकअप करने से पहले आज हम लोग प्राइमर नहीं लगा सकते हैं। सो अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, ए से तो कोई मेकअप नहीं होता। इसके लिए बी फॉर मैं ब्लश लगाने वाली हूँ टमाटर की तरह। सो देखते हैं कौन सा वाला ब्लश मैं लगाती हूँ। सो मैं आज एले कलर्स का ब्लश लगाऊंगी। सो ब्लश को देख के लगता है बंदर के पिछवाड़ा जैसे लाल होता है वही लाल हो गया। सो ब्लश अप्लाई करने के बाद बी फॉर क्या आता है आप लोग जानते हैं, ब्रोंजर। ब्रोंजर नहीं किम कॉन्टोर, नहीं कॉन्सीलर, नहीं फाउंडेशन, मेरे को ब्रोंजर लगाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता क्यों इस चैलेंज को कर रहा हूँ, करने के लिए लगा रहा हूँ वेट एंड वाइल्ड का फेमस ब्रोंजर। मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लगा रहा हूँ बिकॉज कंसीलर या फिर फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा भी निकल के आए इसके लिए। ओ मेरा ब्रॉन्जर करना हो गया। सो उसके बाद जो अप्लाई करेंगे वो है ब्राउज, एटलीस्ट ब्राउज ब्राउज की जाएगी पे अप्लाई हो रहा है। सो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। सो बी से और कुछ आता है, मेरे तरफ से नहीं आता है। सो मूव ऑन करते हैं क्या 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 सी की तरह। आप लोग जानते हैं सी से क्या होगा, आता है कॉम्पैक्ट। क्या कॉम्पैक्ट। सो मैं फिट मी का कॉम्पैक्ट लगा रहा हूँ, नहीं जानता किस लिए लगा रहा हूँ, किसको सेट करने वाली हूँ। कॉम्पैक्ट को लगाना हो गया, अब क्या करूँगी, कॉन्सील करूँगी, वो भी किसके ऊपर, कॉम्पैक्ट के ऊपर। क्या बात है क्या बात। कंसीलर को सेट करने के लिए पाउडर नहीं लगाऊंगी, लगाऊंगी क्या, क्रीम कॉन्टोर। सो मैं क्रीम कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रहा हूँ स्टेक्वाइट का कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर।
आप लोग मेरी हुलिया देख के समझ ही सकते हो मैं कितनी अच्छी मेकअप करने वाली हूँ आज। सो डी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट टू द आई लाइनर, आई शेडो से पहले आई लाइनर, बिकॉज ई वाई ई आई लाइनर और शेडो उसके बाद आता है। यूज कर रहा हूँ लैक्मे का आई लाइनर। आती है कौन सा, ई फॉर आई शेड। सो मैं आई शेड के लिए यूज कर रहा हूँ ब्यूटी ग्लेस का पैलेट। कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ। नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो है एफ, जिसको सबसे पहले आना चाहिए था बट सबसे लास्ट आ रही है। वो है फाउंडेशन। तो मैं लॉरियल पेरिस का इनफेविबल 24 मैट कवरेज फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ। सब लोग देख सकते हैं ब्लश उभर के आए ज्यादा अमाउंट अप्लाई करने के लिए। एंड कंटूर भी बहुत अच्छी तरीके से नोज पे तो दिख ही रहा है। गाइस अब मेरे को लगता है पाउडर, बट मेरे पास पाउडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं मैं। सो अब मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा हाइलाइटर, एच फॉर हाइलाइटर। तो इसलिए मैं इस फाउंडेशन का अप्लाई किया है बिकॉज ये बहुत ही मैट हो जाता है एंड पाउडर भी नहीं लगता। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। बेड के बड़ी है वो है काजल। सो मैं काजल यूज कर रहा हूँ फेसेस कनाडा का न्यूली लॉन्च जो काजल है उसको। सो के बाद जो अल्फाबेट आता है वो है एम, एम फॉर मस्कारा। सो मैं मस्कारा के लिए यूज कर रहा हूँ मेबेलिन का मस्कारा। सो गाइस एल फॉर और एक चीज आता है वो है लिपस्टिक। सो मैं लिपस्टिक को पहन लेती हूँ। एक ड्यूप लिपस्टिक है, लैक्मे का लिपस्टिक नहीं है। सबसे लास्ट जो मेरे मेकअप को कंप्लीट करेगा वो है प्राइमर, पी फॉर प्राइमर। सो मैं सेटिंग स्प्रे एंड प्राइमर एक साथ अप्लाई कर लूँगी बिकॉज मैं इसके लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। वो है मेकअप प्रेप प्लस प्राइमर एंड फिक्सर। आप लोग खुद ही नायका पे जाके देख सकते हैं, मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ।